Hello everyone, welcome to my YouTube channel Attitude Classes. Today we are going to discuss about the solution of RIMC previous year paper which was held in January 2021. Okay, so in this video we are going to discuss about the solution of each and every question. Okay, so now start. Okay, bane rahiyega beta hamare sath. Now just see the very first question in your screen is actually this is a part A. Okay, this is a part A. अगर आपके पास बेटा पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर का एक लिंक मिलेगा और पेपर का एक पीडीएफ मैं वहां पे डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, ये है 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर. ओके, 2021 का जो पेपर है उसके बारे में हम उसका सोल्यूशन देख रहे हैं. तो ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट ए है. पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, ये आप सबको पता होगा आई होप, और 5 क्वेश्चन ईच, मतलब एक वन क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन नहीं बेटा, वन क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा. ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे, वन क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का होगा. ठीक, आप पेपर पे देखोगे आपको पता लग जाएगा. ठीक है, तो इसमें डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है, किस तरीके से होगा वो देखिएगा. नाउ जस्ट सी, फोकस हियर. If x is equal to 3 upon 2, if x is equal to 3 upon 2 raised to the power 2 into 2 upon 3 raised to the power minus 4, find the value of x to the power minus 2. इस क्वेश्चन पे हमको, in this question we have to find the value of x to the power minus 2. So x is equal to 3 upon 2 to the power 2 into 2 upon 3 to the power minus 4. It is given to us. ओके, सो इस क्वेश्चन को देख के हमको ये पता लग गया कि एक्चुअली ये क्वेश्चन किसका है बेटा, ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट्स का. तो एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ. जब आप इसको लिखोगे आंसर को अपने आरएमसी के एग्जाम में, तो आप किस तरीके से लिखोगे ध्यान से सुनना. आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा देयर आर टू लॉज इन एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट पे बेटा देखो लॉस तो बहुत सारे होते हैं, बट जो इस क्वेश्चन पे लगने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, अगर हम लिखते हैं एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन, दिस विल बिकम एक्स टू दी पावर एम प्लस एन. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर बेस आर सेम, अगर हमारे बेस सेम है तो हम डायरेक्टली पावर को एड कर देते हैं. अगर उन दोनों के बीच में कैसा सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है. सो इफ बेस आर सेम वी कैन डायरेक्टली एड द पावर ऑफ दीज टू. ओके, सो इट विल बी एक्स टू दी पावर एम प्लस एन. Similarly, remember one thing, when the base are same, then only we have to add the power, and in between them, that sign has to be multiplication. Okay, if it is plus here or minus here or division here, we cannot add the powers. Okay, now next one, if I say x to the power minus m, that will be is equal to 1 upon x to the power m. Remember this thing, or I can say x to the power minus 1 is equal to 1 upon x. Okay, so these are the three things. Three property of exponent which will going to use in this. Okay, so this will become x to the power 3 upon 2 to the power 2 into x to the power minus m. X to the power minus m will become 1 upon x to the power m. So can I say like this, 1 upon 2 upon 3 to the power 4. This will help. इसको use करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 अपॉन 2 की पावर 2 इनटू, बेटा जब ये रेसिप्रोकल होगा. अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4. ओके, सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 की पावर 2 इनटू, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 अपॉन 2 की पावर 4 बन जाएगा, मतलब 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, उसको मैं 3 अपॉन 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आपका बेस आर सेम, मैंने बताया था. देखो बेस सेम हो गए, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, पावर को हम डायरेक्टली 2 प्लस 4 लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 अपॉन 2 की पावर 6. तो x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2 की पावर 6. कितनी आ गई बेटा x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2 की पावर 6. दिस इज अ वैल्यू ऑफ x, ऑलराइट, 3 अपॉन 2 की पावर 6. नाउ जस्ट सी, कैन आई से लाइक दिस, आई एम रबिंग इट. ओके, आई एम रबिंग दिस. ओके, नाउ फोकस हियर, एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 की पावर 6 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, एक्स टू दी पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2 के बारे में हमसे पूछा है,
तो बेटा x की पावर माइनस टू को हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन x की पावर टू, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बताया था, x की पावर माइनस टू को हम लिख सकते हैं वन अपॉन x की पावर टू। तो बेटा ध्यान से सुनो, एक्चुअली हमारे पास क्या है, वन अपॉन थ्री अपॉन टू, एक्स की वैल्यू है थ्री अपॉन टू की पावर सिक्स और उसकी होल पावर, देखो ये तो मैं हमने लिखी एक्स की वैल्यू की कितना, थ्री अपॉन टू की पावर सिक्स, उसकी होल पावर टू है तो टू लिखेंगे, x की पावर माइनस टू हो जाएगा वन अपॉन थ्री अपॉन टू, देखो x की पावर m टू दी पावर n, बेटा इसको लिखते हैं x की पावर m इंटू एन, ओके ये भी हमारे पास क्या होती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, ठीक है कि x की पावर m उसकी होल पावर n, दैट विल बिकम x टू दी पावर m n, सो सिक्स इंटू टू विल बिकम, सिक्स इंटू टू विल बिकम ट्वेल्व, तो x की पावर माइनस टू हो जाएगा वन अपॉन थ्री अपॉन टू की पावर ट्वेल्व। जैसे हमने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया था तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं x की पावर माइनस टू हो जाएगा टू अपॉन थ्री की पावर प्लस ट्वेल्व, ओके सो ये हो गया हमारे पास x की पावर माइनस टू जो है वो कितना है बेटा, वो हो जाएगा हमारे पास टू अपॉन थ्री की पावर ट्वेल्व। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो x की पावर माइनस टू कितना आ गया, x की पावर माइनस टू हो जाएगा टू अपॉन थ्री की पावर ट्वेल्व, ओके क्लियर है, फाइन बेटा आपको ऐसे ही पेपर पे करना है, ठीक है, अगर आपको नंबर चाहिए बिकॉज आर एम सी आप सबको पता है डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो डिस्क्रिप्टिव में यू नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, ओके इवन आपको यहाँ ब्रैकेट पे लिखना पड़ेगा आपने कौन सी लॉ को यूज किया है, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो एक्स टू दी पावर एम प्लस एन वाला लॉ जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ताकि आपको कोई भी आपके नंबर डिडक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर पाए, ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो नाउ जस्ट सी, if this is a question, question number 2 is if 4x square plus y square is equal to 40 and xy is equal to 6, find the value of 2x plus y. So 4x square plus y square is equal to 40 and xy is equal to 6, तो हमको वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी, 2x plus y की हमको वैल्यू निकालनी है, ओके सो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसकी हेल्प से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, देखो अगर आप लिखोगे y is equal to 6 upon x, बेटा देखो ये है x into y is equal to 6, तो आप y की वैल्यू लिख सकते हो 6 upon x, ठीक है, y की वैल्यू 6 upon x, इसको कहाँ पुट करो, y की वैल्यू 6 upon x, इसको हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इसको हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन पे, तो ये इक्वेशन है क्या, 4x square plus y square is equal to 40, this is the equation, तो इसमें y की जगह में 6 अपॉन x को पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम y की जगह में क्या लिखेंगे, y की जगह पे हम लिखेंगे 6 अपॉन x की पावर 2, 6 अपॉन x की पावर 2, बिकॉज y का स्क्वायर है, तो 6 y की जगह 6 अपॉन x यहां से लिखा उसकी पावर 2, तो देखो ध्यान से देखो 4x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा बेटा, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेके x स्क्वायर, यहाँ पे जब इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4, बिकॉज x इज 4x स्क्वायर, देखो 4x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4, तो ऐसे ही रहेगा बेस सेम पावर, वी कैन ऐड 2 प्लस 2, सो दिस विल बिकम 4, ओके सो 4x की पावर 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 40, बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा हाउ मच, देखिए जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये आ गया 4x की पावर 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स स्क्वायर, ओके बिकॉज 40 विल गेट मल्टीप्लाई टू दिस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट नाउ जस्ट सी दिस विल बिकम, आई एम राइटिंग हियर, आई एम राइटिंग दिस टू दिस पॉइंट साइड, ओके सो 4x की पावर 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 40x स्क्वायर, when this will come here, when this will come here, this will become 4x की पावर 4 minus 40x square because sign will get changed, okay? जब भी हमारे पास कुछ RHS से LHS में आएगा तो बेटा sign change हो जाते हैं, plus 36 is equal to 0. देखो हम इसको ऐसे भी solve कर सकते हैं, जैसे कि अब आप बोलोगे सर इसका हमको क्या करना है, factor निकालने, हमको x की value निकालनी है, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, जब हम x की value निकालेंगे तो बेटा होगा क्या, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 36 इनटू दिस, आपने सबने बेटा फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हम जब फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ते हैं, ax² + bx +
सी का, ठीक है, बट ये तो पावर फोर पे है, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसी इक्वेशन अगर ट्रिगर हो जाए, कभी भी ऐसी इक्वेशन अगर ट्रिगर हो जाए पेपर पे, तो बेटा आप सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही है, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। बेटा एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, देखो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, x की पावर 2 का स्क्वायर, बिकॉज देखो x की पावर 4 मैं लिख सकता हूँ, x की पावर 2 इंटू 2 विल बिकम 4, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस 40x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, अब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर की जगह t पुट करना है, तो क्या मैं x स्क्वायर की जगह t लिखूंगा, तो ये बनेगा t का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस x स्क्वायर की जगह t पुट करेंगे तो t प्लस 36 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो जब अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेगा 10 टी प्लस 4 9 36 इक्वल टू 0, ठीक है, यही बचेगा। अब आपके मन में डाउट आ गया कि सर ये कैसे लिखा आपने, देखो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, कॉमन लेने को आपको देखो कॉमन लेना आना चाहिए, तो कॉमन लेते कैसे हैं, ध्यान से सुनना, 40 स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 4 टी इस तरीके से, ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिखने के कुछ भी तरीके, मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो देखो 4 4 4 तीनों में 4 है, तो उसको कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस, यहाँ से 4 बाहर आ गया तो 10 टी बचेगा, यहाँ से बाहर आ गया तो 9 बचेगा इक्वल टू 0, तो बेटा ये बचा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 9 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा 0/4, तो बेटा 0/4 जो हो जाएगा दैट विल बिकम 0/any number विल बी 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमको इसमें टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे बेटा, दिस इज इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व इट, ओके, सो आई एम रबिंग दिस पार्ट, सो दैट आई कैन सॉल्व दिस। सो टी स्क्वायर माइनस दिस, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बेटा, आई एम रबिंग दिस, ओके, देखिए टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 9 इक्वल टू 0, सो दिस इज अ इक्वेशन, ओके, सो मैथमेटिक्स पे ऐसे कोई दो नंबर, एनी टू नंबर इन मैथमेटिक्स जिनका मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए और प्लस माइनस करके कितना आ जाए बेटा 10 आ जाए, तो ऐसे कौन से नंबर है मैथमेटिक्स पे, 9 into 1 विल बी 9, 9 प्लस 1 विल बी 10, या तो प्लस या तो माइनस करके, ओके, आइदर इट इज प्लस और इट इज माइनस, राइट, सो इट विल बी, हाउ मच, 9 9 प्लस 1, ओके, सो 9 प्लस 1, तो बेटा इसकी जगह में इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस टी प्लस 9 इक्वल टू 0, या इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, टी कॉमन आएगा, तो टी माइनस 9 बचेगा बेटा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो टी माइनस 9 इक्वल टू 0, इन दोनों में से टी माइनस 9 कॉमन है और यहाँ से बचा टी माइनस 1 इक्वल टू 0, सो टी की टू वैल्यूज आ गए, टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 9 और टी इज इक्वल टू 1, सो टी की दो वैल्यू आ गई, टू वैल्यूज टी की आ गई, टी इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 1, और हमने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर जो है वो टी के, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो मुझे बताइए अगर मुझे एक्स की वैल्यू लिखनी है तो मुझे यहाँ पे अंडर रूट टी लिखना पड़ेगा, तो बेटा टी की तो टू वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ टी व्हेन टी इज इक्वल टू, 9, सो एक्स विल बिकम हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 9, बिकॉज अंडर रूट ऑफ टी है तो टी की जगह 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस 3, या तो प्लस 3 या तो माइनस 3, एक्स की एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, एक्स की अलग दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से सुनो, एक्स की फर्स्ट वैल्यू ये है, एक्स की सेकंड वैल्यू जो है व्हेन टी इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, बिकॉज अंडर रूट ऑफ टी पुट करेंगे तो टी की जगह 1 रखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 या फिर 1 ही होगा, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 1 विल बी 1, ओके, सो नाउ देखो जब एक्स की वैल्यू 3 होगी, प्लस 3 बेटा, ये प्लस माइनस दो वैल्यू आते हैं, टू वैल्यूज आर देयर, ओके, जब अंडर रूट में वैल्यू होते हैं तो हम प्लस मान के ही चलेंगे, तो एक्स की वैल्यू अगर 3 है, देखो अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई इज इक्वल टू 6/x है, तो अगर एक्स इज इक्वल टू 3 होगा देन विच इम्प्लाइज दैट वाई विल बी इज इक्वल टू 2, ये पता लग गया, बिकॉज 6/3 विल बी 2, तो जब और एक्स की वैल्यू जब 1 है तो दिस विल बिकम हाउ मच, वाई विल बी इज इक्वल टू 6,
एक्स की वैल्यू जब वन है तो बेटा वाई की वैल्यू सिक्स आ गई, यस और नो? ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज लिख के दिखा देता हूँ कैसे हम इसको करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नाउ यू नीड टू फोकस हियर, एक्स इज इक्वल टू थ्री तो वाई इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू वन तो वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब आप बोलोगे सर एक्स की जगह माइनस थ्री भी तो था, तो बेटा माइनस थ्री भी ले लोगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री होगा ना, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का टू, और यहाँ पर भी प्लस माइनस वन आएगा। मैं आपको यही बताऊँ तो ये प्लस वन है तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का वन, तो माइनस वन पे कितना जाएगा माइनस सिक्स। तो दोनों चीजें सेम है, आप इसको लेके करोगे इसको आंसर सिंपल, माइनस से माइनस कैंसिल होने वाले हैं आगे चल के, ठीक है, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इधर देखिए आप x इज इक्वल टू थ्री जैसे ये कर रहे हैं बिल्कुल सिमिलर ऐसे करेंगे, आप बोलोगे सर पेपर में कौन सा सही होगा, तो ऐसे करोगे तो भी सही होगा, ऐसे करोगे तो भी सही होगा, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तो हम इससे कर रहा हूँ, मैं इससे बता रहा हूँ आपको, आप इससे जाओ तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो x, बट ये ध्यान रखिएगा अपनी मर्जी से x इज इक्वल टू माइनस, ऐसे नहीं कि सर प्लस थ्री ही होगा, नहीं बेटा अंडर रूट की वैल्यू नाइन है तो x हैज टू बी इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। आप मैथमेटिक्स को गलत नहीं बोल सकते, ये प्लस माइनस थ्री ही होगा, ठीक है। अब देखिए x अगर 3 है y is equal to 2 है, x is equal to 1 then y will be is equal to 6. So, अब इसको अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, यहां से प्रूफ होगा कि क्या सही निकाला, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए x y is equal to 6. उसने बोला ना कि अगर ये इसके इक्वल है, दिस कंडीशन इज देयर एंड x y is equal to 6, तो क्या x y 3 into 2, जब x 3 है तो y 2 है, क्या x equal to 6 है, बिल्कुल है। एक्स वाई इज इक्वल टू हाउ मच, वन इंटू सिक्स, वन इंटू सिक्स, क्या एक्स वाई सिक्स इक्वल टू सिक्स है, बिल्कुल है। तो बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब हमारा आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। तो आपके पास दो आंसर आने वाले हैं, दो आंसर कौन से होंगे, देखो जब आप इसको पिक करोगे इस वाले पार्ट को, इस वाले को, जब आपने एक्स की वैल्यू थ्री बोला और वाई की वैल्यू टू बोला, तो बेटा टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू होने वाली है, विच इम्प्लाइज दैट टू इंटू एक्स की जगह थ्री प्लस वाई की जगह टू, सो ये हो जाएगा कितना, सिक्स प्लस टू दैट विल बिकम एट। So, 2x plus y की वैल्यू आ गई 8, कब, जब x की वैल्यू कितनी थी, ये वाली थी 3 और 2, जब हमारे पास x की वैल्यू, जब हमारे पास when x is equal to 1 और y will be is equal to 6, तो 2x plus y कितना होगा, 2 into x की जगह 1 plus y की जगह 6, तो बेटा ये भी 8 ही आएगा, ठीक है। तो यहां से भी प्रूफ हो गया कि हमारी ये वैल्यूज सेटिस्फाई हो गई, क्लियर है, क्लियर। तो इस तरीके से इनको करेंगे, ठीक है। तो 2x plus y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x plus y की वैल्यू आ गई 8, दोनों से सेटिस्फाई हो गया। इस तरीके से आपको पूरा करना पड़ेगा पेपर में, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो इससे शॉर्टकट इसका कोई तरीका बेटा है नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, कि यहाँ पे 3 2 पुट करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 इंटू 1 करने पे 6 ही आएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू 6 हो, 3 और 2 हो गई, और वैसे करके पुट कर दो तो बेटा मार्क्स कट सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस, सॉल्व 17 इंटू वन माइनस एक्स माइनस 5 इंटू दिस अपॉन दिस। देखिए इस पे क्या लिखेंगे हम, 17 इंटू वन माइनस एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 12 अपॉन वन माइनस 7x इज इक्वल टू 8। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, ओके। सो 17 इंटू 1 विल बी 17 माइनस, when 17 multiply with this x, it will become minus 17x minus, when this minus 5 will become multiply this with x, so it will become minus 5x, when negative is being multiplied inside the bracket, this is plus, so this sign has to be changed, it will become minus of 12 5 just 16 upon 1 minus 7x is equal to 8 upon 1, okay. So now what we do is, you have to solve this first, 17 minus 5 will be 22x minus 16 upon 1 minus 7x is equal to 8 upon 1. Now just see what we do here. Now we have to cross multiply this, we have to cross multiply this like this, cross multiplication, all right, cross multiplication is there, we have to cross multiply it, all right, like this. So this will become 17 minus 60. Tell me one thing, what will be the value of 17 minus 60? 17 minus 60 will be beta 60 minus 17 or minus 60 plus 17. This will become minus 22x. Can I write negative? Because plus minus will be minus. Sign is a bigger number. That will be minus of whatever value will come. So this will become how much?
43, all right, into 1, this one is equal to 8 into 1 minus 7x. Okay, so this will become minus 22x minus 43 is equal to 8 minus 56x, all right. So this will become how much? All the x term one side. So when this will come here, it will become plus 56x, 8 plus 43. 8 plus 43, this will come here. So minus 22 plus 56 is how much? It will be 34x, because minus plus minus sign is a bigger number, which is plus, is equal to, it will become 43 plus 8 is how much? It will become 51. So x is equal to 51 upon 34. 17, 2 is a 34, 17, 3 is a 51. X value will become 3 upon 2. So humko yahi nikalna tha ki isko solve karne ke liye kya aayega. So x ki value aage 3 upon 2. So this is our answer. Okay. So the value of x will be 3 upon 2. Ab bacha, ek bacha puchenge, to kuch bacha puchenge, sir, isko hum aise likh sakte hai kya 1.5? Yes, beta, isko aise bhi likh sakte hai aur isko aise bhi likh sakte hai. Dono mein aapko marks pure milenge. All right. Chaliye. Aage chalte hain. Question number 4. Question number 4 is this. How many prime numbers are there up to 100? बेटा इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को आप टू मेथड से कर सकते हो. वो मेथड क्या है देखो, मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, बट एक्चुअली आप कर कह सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ. एक तो आपके पास ये मेथड हुआ कि सर हम 1 से लेकर पहले 10 तक काउंट कर लेते हैं, या फिर हम सर 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर हम काउंट करने स्टार्ट करते हैं. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, आप सबको पता होना चाहिए बेटा प्राइम नंबर क्या होता है. अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में होना चाहिए. प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, या तो वो खुद होता है, ठीक है, या फिर वन उसका फैक्टर होता है. तो प्राइम नंबर वन से लेकर हंड्रेड तक कितने होते हैं ये पूछ रहा है आपसे. ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर अप टू हंड्रेड, हंड्रेड तक. तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने का हमारे पास एक मेथड तो ये है कि आप वन से लेकर हंड्रेड तक क्या करो, देखो कि वन है, यस, अगर वन है, वन प्राइम नंबर है, तो चेक करो कि हाँ ठीक है वन है या नहीं है. फिर से ये चेक करो कि टू है, चेक करो थ्री है, फोर है, इस तरीके चेक करो कि इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है. ऐसे करते करते आप हंड्रेड तक जाइए, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको किस तरीके से आप करोगे वो देखिए. इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ. शॉर्टकट, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट एक्चुअली, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो. ठीक है, डी डी बी बी सी, ऐसे करके हंड्रेड तक आप कभी कूदोगे नहीं. ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे, फिर लिखो बी बी सी, फिर लिखो बी ए, ध्यान से सुनना. ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, ये क्यों देखो, डी डी बी बी सी बी बी सी बीबीसी बीबीसी लिखो, उससे पहले डीडी लिखो, फिर बीए लिखो. ठीक है, अब इससे क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें. देखो अल्फाबेट्स में एबीसीडी जो हमारे पास है, उनमें डी कितना होता है नंबर पे, फोर नंबर पे होता है. डी फोर नंबर पे, बी टू, बी टू नंबर पे, मतलब एबीसीडी लिखते ना बेटा, एबीसीडी ये कह रहा हूँ मैं, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से. तो हमारे पास जो ये इस तरीके से आया, तो सी होता है थ्री, बी होता है टू, टू थ्री टू वन, क्लियर है, ध्यान से सुनो. तो इसको क्या लिखोगे अब आप, इसको लिखना पड़ेगा आपको जीरो से टेन, यहाँ पे देखो जीरो से टेन, ये टेन से ट्वेंटी, ये ट्वेंटी से थर्टी, थर्टी से फोर्टी, फोर्टी से फिफ्टी, फिफ्टी से सिक्सटी, सिक्सटी टू सेवेंटी, सेवेंटी टू एट्टी, 80 to 90 and 90 to 100, right? So this is what? 0 to 10, मतलब 0 से 10 में how many prime numbers are there? 4. How many prime numbers are there? 4. आप चेक कर लीजिए कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे बेटा 0 से 4 पे. ठीक है, तो 0 से 4 पे प्राइम नंबर होगा 2, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तो होगा 2, 2, ठीक है, फिर कौन सा होगा 3, फिर कौन सा होगा, exactly correct, 5, फिर कौन सा होगा 7, एक बच्चा बोल रहा है सर 9, तो बेटा 9 नहीं होगा. 9 क्यों नहीं होगा? बिकॉज 9 का फैक्टर 1 भी है, 9 भी है और 3 भी है, तो 9 तो हो नहीं सकता. 10 भी नहीं हो सकता बिकॉज 10 का फैक्टर 5 भी है, 2 भी है, 10 भी है, 1 भी है. तो केवल 0 से 10 तक 4 प्राइम नंबर्स आर देयर. ओके, उसके बाद तो आपको इसको पहले आंसर कैसे निकालोगे, पहले मैं वो बता देता हूँ. देखो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, 0 से 100 तक लिख दिया हमने, सबको ऐड कर दो,
4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. All right. So, dekho, 4 plus 4, 8 plus 2, 10 plus 2, 12 plus 3, 15 plus 2, 17 plus 2, 19 plus 3, 20, 2 plus 2, 24 plus 1, 25. So, total prime number kitne hai? 0 se 100. So, aap likhoge total prime numbers are 25 up to 100. Okay. इसको प्रूफ भी कर लेते हैं. कैसे कर लेते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं. यहाँ पे जीरो से टेन पे ही है, ठीक है. मुझे बताओ कि टेन से ट्वेंटी पे प्राइम नंबर कौन से होंगे. बिल्कुल सही, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, हाउ मच एग्जैक्टली, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी नाइन, थर्टी वन, थर्टी सेवन, फोर्टी वन, फोर्टी थ्री, फोर्टी सेवन, फिफ्टी थ्री and 57 59, yes 59, 61, 63, no 63 to hoga nahi, 7 9 63, 67, yes, 71, 73, 83, 87, 97, because ispe kitna hota hai, 1 hi hota hai, ek hi hoga 97, theek hai, 100 ke beech mein only one. So now we need to check it out, okay? We need to check. Now just focus. Check करते हैं क्या ये सब 25 हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So ये कितने हैं? 25. तो आपके पास एक method तो ये है, first method. Second method ये है, या तो आप ऐसे करके चेक कर लो जो मैं पहले बता रहा था आपको, या तो आप ऐसे करके चेक कर लो. दोनों अपने आप में करेक्ट है, ठीक है, दोनों अपने आप में करेक्ट है. और अगर आप दोनों को लिख देते हो, ऐसे नहीं कि मेथड अलग हो गया, अगर आप बेटा इस तरीके से लिखते हो, आप इस तरीके से लिखते हो, अगर आप ये लिखते हो और आप इस तरीके से लिखते हो आंसर, तो आपको तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. आप इस तरीके से लिखते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. फाइन, नेक्स्ट वन. तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि बहुत बच्चों को इस पर कंफ्यूजन होता है कि सर पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होता है, तभी आप बेटा इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 231228 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 33. अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है. एंड इवन वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है. इस क्वेश्चन पे आप डिविजिबिलिटी रूल भी सीख सकते हो, ठीक है, कि कैसे करके हम डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं. तो देखिए, नाउ जस्ट सी, पहले मैं आपको इसको, जो पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इसके दो मेथड बताने वाला हूँ बेटा. तो जो मैं पहला मेथड आपको बताऊंगा वो है जो आपको आरआईएमसी में करना है. अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से कभी आया तो ये वो मेथड है जो आपको आरआईएमसी में करना है, मतलब जो आरआईएमसी के आंसर शीट पे आप लिखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को. सेकंड मेथड, इसका एक मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, आई कैन इवन से लिटिल बिट शॉर्टर देन दिस, ठीक है. तो किस तरीके से हम वो कर सकते हैं वो मैं इसके बाद बताऊंगा. तो पहले हम इसको देखते हैं कि होता क्या है. तो इस क्वेश्चन को पहले समझने से पहले आप बस इतना सा समझ लीजिए कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है. देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीज आपको समझनी पड़ेगी क्या है. अगर मान लो मैं लिखता हूँ सेवन, थ्री से डिवाइड करो, देखो सेवन अपॉन थ्री कितना होगा, ठीक है. तो थ्री टू जस्ट सिक्स माइनस कितना बचा, रिमाइंडर वन, ठीक है, वन. अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि ये जो नंबर है सेवन, ये बताइए कि मैं सेवन पे कितना ऐड करूं, मैं सेवन पे क्या ऐड करूं सो दैट दिस विल बिकम डिविजिबल बाय थ्री. मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, मैंने तो सब्ट्रैक्शन बोला ही नहीं, मैंने तो बोला ऐड, कि मैं सेवन पे क्या ऐड करूं कि ये थ्री से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये थ्री से डिवाइड हो जाए. तो अब बच्चों ने क्या बोला, और आप लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो, आप बोल रहे हो सर टू ऐड कर दो तो ये थ्री अपॉन, ये नाइन अपॉन थ्री हो जाएगा सर, थ्री थ्री जै नाइन कैंसिल हो जाएगा तो ये मिनटर हमारा जीरो आएगा. तो बेटा आप बोल क्या रहे हो, आपको पता है, आपने बोला कि सर टू ऐड कर दो. ये टू ऐड कैसे करेंगे, अगर मैं इससे रिमाइंडर को माइनस कर दू, दिस इज वॉट, अगर मैं इससे रिमाइंडर को माइनस कर दू थ्री माइनस वन, तो बेटा आई विल गेट टू. So, इसका मतलब इफ आई एड सेवन प्लस दिस टू हेयर, सो वी विल गेट द नंबर जो कि इस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं. आप बोलो कि सर
सर 16 लेके दिखाओ एक बार, 16 से करके देखना सर क्या हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो 3 से करते हैं, ठीक है कि मैं चलो 3, अब आप बोलोगे बार बार 3 ले रहा हूँ, आपकी मर्जी से। कोई एक एग्जाम्पल मान लो कि मैंने लिया 12, ठीक ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 12 वन जा 12 बेटा, 12 वन जा 12 रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। अब वही क्वेश्चन कि मैं इस नंबर पे क्या ऐड करूं, मैं 16 पे क्या ऐड करूं सो दैट ये 12 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, सो दैट 12 से डिवाइड हो जाए। तो एक बच्चे ने क्या बोला, सर अभी अभी आपने बताया कि इसको इससे माइनस कर दो, 12 माइनस 4, तो सर मुझे मेरे पे आया 8, सो सर मैंने यहाँ पे 8 लिखा, सर मैंने यहाँ पे 8 लिखा, तो मैंने 16 प्लस 8 किया तो वो 24 हुआ अपॉन 12, तो सर 12 टू 24 हो गया, तो ये तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो बेटा ये जब डिवाइड हो गया तो इसका मतलब हम क्या जनरल रूल कह सकते हैं कि अगर मुझे इस नंबर पे, इस नंबर से ये देखना है कि इस नंबर पे मैं क्या ऐड करूं सो दैट ये इस नंबर से डिवाइड हो जाए, तो जितना रिमाइंडर होगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया इसमें ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थिंग हम इस क्वेश्चन पे करने वाले हैं, बिल्कुल सेम थिंग। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा देखो एक बार, 231228 इसको डिवाइड करना है बेटा 33 से, 33 से डिवाइड करते हैं और ये देखेंगे कि इसमें क्या ऐड करें सो दैट ये कैंसिल हो जाए। तो बेटा 33 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 का 2, 7 3 21 विल 23, सो ये कंप्लीट जीरो बचेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही सर, 2 को पहले नीचे लेके आएंगे तो बेटा ये तो लेस देन है इससे, तो इसको भी यहाँ लेके आएंगे तो सर यहाँ पे क्या लगाएंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 zeros we have to add, okay? अब 33 से कितनी बार डिवाइड हो गई है, 231 7 टाइम्स गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे वन नंबर कमी होगा, तो 6 टाइम्स कैंसिल होना होगा, तो 6 टाइम्स जब कैंसिल होगा बेटा तो दिस विल बिकम 198, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 12 माइनस 9 विल बी 330। नाउ फोकस हियर, ये 30 है। अभी अभी मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन क्या है कि इस नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर हैज टू बी जीरो, क्लियर है। नाउ सी, ये नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें सो दैट ये 33 इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या करोगे, नाउ व्हाट यू डू इज 33 माइनस 30, वेरी गुड, इट विल बिकम 3। ऑल राइट, नाउ जस्ट सी ऑन एडिंग, ऑन एडिंग 3, दिस 3 टू दिस नंबर 2, 2, 3, 1, 2, 8, इट मीन्स आई कैन से दिस 2, 3, 1, 2, 8 प्लस 3, दिस विल बिकम हाउ मच, 8 प्लस 3 इज हाउ मच, 8 प्लस 3 11, 1, 2 plus 1, 3, I should write like this. two, three, one. So this is the answer, okay? So ये answer आ गया, तो हमने क्या बोला, on adding 3 to this number, it is completely divisible by 33, all right? ये क्या हो जाएगा, completely divided हो जाएगा 33 से, इस तरीके से। अब ध्यान से सुनो, so ऐसे आपको पेपर पे करना है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसमें आपको और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, दिस इज अ फर्स्ट मेथड, ओके, और यही आपको आरएमसी में करना है, यही आपको आरएमसी में लिखना है अगर कभी क्वेश्चन आया तो। इसका सेकंड मेथड क्या है, इसका सेकंड मेथड क्या है देखो, ये चीज हम वहां पे करेंगे बेटा जहां पे ऑब्जेक्टिव होगा। तो 231228 एक्चुअली 33 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट। तो डिविजिबिलिटी रूल, अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल, 11 into 3 अगर इससे डिवाइड होगा तो बेटा 11 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। अगर 33 से डिवाइड, अगर कोई नंबर किसी 12 से डिवाइड है तो वो नंबर 6 से भी तो डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए,
तो इन दोनों में से आप कुछ भी निकाल दीजिए। मान लो कि आप बोलते हो सर हम थ्री का निकालते हैं, थ्री का डिविजिबिलिटी हमको पता है, सबको ऐड करेंगे, अगर वो हमारा थ्री से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे उस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर ये नंबर थ्री से भी डिवाइड हो रहा है, इलेवन से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 33 से डिवाइड होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसको इस इनसे डिविजिबल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे वो देखते हैं। टू थ्री वन, टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री, बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री यही बोलता है, ठीक है। थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन, सिक्स प्लस टू नाइन प्लस टू इलेवन प्लस एट वन एट, 18 हो रहा है क्या? दोबारा देखते हैं, एट प्लस फोर 12 प्लस 1 13 प्लस 3 16 प्लस 2 18, दिस इज डिविजिबल बाय 18 अपॉन 3, तो ये 6 हो रहा है, 13 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से तो हो गया डिवाइड, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि सर 3 से डिवाइड हो गया। अब हम देखते हैं क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, चलो बेटा देखते हैं 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ध्यान से देखो 3 से तो हो गया, ठीक है, तो दोनों से होना चाहिए ना, अगर 33 से डिवाइड होगा तो दोनों से होना चाहिए, तो चलिए जी देखते हैं 11 से। तो बेटा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, टू माइनस थ्री माइनस प्लस वन माइनस टू प्लस टू माइनस एट अपॉन 11, या तो आना चाहिए, देखो या तो जीरो आना चाहिए या 11 आना चाहिए तभी डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, टू प्लस वन थ्री ये कैंसिल हो गए माइनस एट, अगर मुझे इसको माइनस 11 बनाना है तो आई शुड हैव टू, व्हाट आई हैव टू राइट हियर, आई शुड हैव टू राइट माइनस थ्री हियर, ऑलराइट माइनस थ्री हियर टू मेक इट आइदर जीरो, अगर जीरो बनाना होगा बेटा तो जीरो बनाने के लिए मुझे प्लस 11 करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, अगर मान लो मुझे जीरो तो मुझे प्लस 8 करना है, अगर मुझे यहाँ पे जीरो बनाना होगा ना तो प्लस 8 करना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे यहाँ 11 बनाना है तो इट विल बिकम माइनस 11 अपॉन 3। तो एक्चुअली आपने ऐड क्या किया, ध्यान से सुनो आपने ऐड क्या किया, आपने एक्चुअली ये ऐड किया, ये दिस दिस 3, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है 3, सो वही 3 था ये, ऑलराइट। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये तब काम आते हैं जैसे कभी सैनिक स्कूल का पेपर देते हैं हम लोग, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये नहीं आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 33 से आपने जो कैलकुलेशन यहाँ पे होनी थी वहां बच गया आप इसमें, ठीक है, 3 से तो एकदम से डिवाइड हो रहा था, तो 11 से करने पे 3 आए तो 3 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये तब करते हैं जब ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द क्वेश्चन सेज फोर बेल्स बिगिंस टू टोल टुगेदर एंड टोल रिस्पेक्टिवली एट द इंटरवल ऑफ 5, 6, 8 and 12 seconds, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन एन आवर एक्सक्लूडिंग, बेटा ये इंपॉर्टेंट हुआ, एक्सक्लूडिंग द वन एट अ स्टार्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर फोर बेल्स एक साथ टोल होनी स्टार्ट होती है, बजनी स्टार्ट होती है, किस किस इंटरवल पे, 5, 6, 8 and 12, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो टोल होगी या फिर बजेगी एक आर पे, ये सेकंड्स में गिवन है, देखो ये सारे सेकंड्स है, वो पूछ रहा है आर पे कितनी होगी, एक्सक्लूडिंग मतलब पहली वाली को हटा के। तो बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, जो आपको ये दे रखा होगा इसका आप निकालोगे पहले एलसीएम, तो बेटा इसके एलसीएम कितना आएगा, 2, क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा आपके पास हाउ मच, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3 1 जा, ये हो जाएगा 5 1 जा, ऑलराइट, दिस इज 5, सो एलसीएम एलसीएम ऑफ 5 6 8 एंड 12 विल बी हाउ मच, 2 into, 2 into, 2 into, 3 into 5. So 2 to the 4 to the 8, 3 to 24 into 5 will be 120 seconds. तो आपके पास इसका LCM 120 seconds आ गया। अब हमने ये LCM क्यों लिया? ध्यान से सुनो, because वो कह रहा है कि ये respectively toll कर रहे हैं at an इतने intervals पे. That is why we have taken this LCM, okay? So कभी भी इस तरीके से question आ जाए bell वाला, you have to take the LCM, okay? और ये मैंने class में बता रखा है कि किस तरीके से इनको हमको बहुत बार मतलब कि किस तरीके से इसका एलसीएम लेते हैं और कौन से वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको एचसीएफ लेना पड़ता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज 120 सेकंड, नाउ सी इफ इट इज 120 सेकंड, इसका मतलब ये वो 120 सेकंड हुए जब वो क्या कर रही है एक साथ टोल, टोल क्या मतलब, जब वो टोल होनी स्टार्ट हो रही है, मतलब कि एक बार टोल हुई फिर इतने सेकंड के बाद दूसरी बार टोल हुई फिर इतने सेकंड, जैसे कि मान लो ये है
वन टाइम टोल यहाँ पे होगा, ठीक है, फिर अगला टोल 120 सेकंड के बाद होगा, अगला टोल 120 सेकंड के बाद होगा, इस तरीके से ये है। तो पहले वाले को एक्सक्लूड करके वो पूछ रहा है कि बताइए कि कितनी बार इसको टोल होना है, मतलब कितनी बार टोल होगी, हाउ मेनी टाइम्स, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपने जब ये निकाल दोगे तो मुझे एक बात बताइए, ये 120 सेकंड पे वन टाइम टोल, वन टाइम टोल, तो वन टाइम टोल जो हुई बेटा कितने सेकंड पे, 120। देखो आप समझो ना मेरी बात को, मैंने बोला अगर पहली बार यहाँ पे हो तो आफ्टर 120 सेकंड वो अगली बार टोल यहाँ पे हुई, फिर अगले 120 सेकंड पे यहाँ पे टोल हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन बार यहाँ से यहाँ आने पे वन टाइम टोल हुआ, ठीक है, तो कितने हुआ 120 सेकंड पे वन टाइम टोल हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, वन सेकंड में कितने टाइम टोल होगा, 1/120 टाइम्स टोल होगा, 120 टाइम्स टोल होगा। तो बेटा आपसे पूछा है कि वन आवर में पूछा है ना कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर, कितने टाइम में टोल होगा एक्सक्लूडिंग दी वन एट द स्टार्ट, पहले वाले को छोड़ के। तो वन आवर में हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर, 60 × 60 सेकंड। तो अगर वन सेकंड पे इतना टाइम टोल हुआ तो 60 × 60 सेकंड पे कितने टाइम टोल होगा, वन सेकंड पे इतना है तो 60 × 60 सेकंड पे 60 × 60/120 टाइम्स वो टोल होगा, क्लियर है। तो इससे कैंसिल हुआ ये, तो इसका मतलब कितने टाइम टोल हुआ बेटा, ये हुआ आपका 30 टाइम्स टोल, कितने टाइम टोल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 30 टाइम्स टोल, क्लियर है, कितने टाइम टोल होगा ये 30 टाइम्स टोल होगा, ऑल राइट। सो नंबर ऑफ टाइम्स दे टोल टुगेदर, दे टोल टुगेदर इज हाउ मच, 30 टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो कभी भी ये टोल वाला क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत बार आ जाता है आरआईएमसी में, तो बेटा कैसे करना है, पहले हमको एलसीएम निकालना है, और जितनी बार आपसे देखो अगर बोलते हैं इंक्लूडिंग दी फर्स्ट टोल तो फिर यहाँ पे प्लस वन और करते, ठीक है, तो इट विल बिकम 31, अगर इंक्लूडिंग होता, एक्सक्लूड बोलते तो पहले वाले को छोड़ दिया, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो 30 टाइम्स हमारा इसका आंसर हो गया, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम व्हिच इट फेल, व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू, अगर कोई बॉल इस तरीके से, देखो मान लो आपने यहां से कोई बॉल को इस तरीके से ग्राउंड पे थ्रो किया, दिस बॉल बाउंसेस सर्टेन हाइट, सो कह रहा है कि 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल, वो कह रहा है अगर इससे, इस हाइट से अगर यहाँ पे फेल हुआ है, मतलब अगर यहाँ से ये बॉल को फेंका गया है, तो बेटा ये इसके 2/3 तक क्या करेगी, बाउंस करेगी। इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ द 36 मीटर, अगर वो बॉल 36 मीटर की हाइट से फेंकी गई, तो ये बताइए हाउ मेनी हाई विल इट राइज एट द थर्ड बाउंस, वो थर्ड बाउंस में कितने, देखो अगर आप इमेजिन करो, आप सब क्रिकेट खेलते हो बेटा, आपने क्या करा, एक रबर की बॉल होती है ना, जो रबर की बॉल आपने इस तरीके से ग्राउंड पे आपने इसको थ्रो किया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपने जैसी थ्रो किया यहीं पे रुक गई, ऐसा तो नहीं होता, वो इस तरीके से बाउंस करती है, इस तरीके से बाउंस करेगी, एक अपने सर्टेन बाउंसेस के बाद वो सेटल डाउन होगी, सर्टेन बाउंसेस के बाद वो सेटल डाउन होगी। अब फिर एक बच्चा बोलेगा सर कितनी बाउंस होगी हमें कैसे पता लगेगा, तो बेटा किस इंटेंसिटी से आप उसको ग्राउंड पे थ्रो कर रहे हो उसके हिसाब से बाउंस होती है बॉल। तो वो कंडीशन उसने दे दी, उसने ये बोला कि व्हेन अ बॉल बाउंसेस, जब एक बॉल बाउंस होती है मतलब उछलती है, इट राइजेस टू 2/3, वो कितनी राइज होती है, 2/3 ऑफ द हाइट जिस हाइट से वो फेंकी जाती है, वो हाइट कितनी, 36 मीटर। तो अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, और वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले देखो बॉल कहाँ से ड्रॉप करी, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट से ड्रॉप किया बेटा, फ्रॉम अ हाइट ऑफ, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, 36 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये आपको गिवन है, ठीक है, 36 मीटर की हाइट से बॉल क्या हुई, ड्रॉप की गई, फेंकी गई, आपसे पूछ रहा है कि कितने थर्ड बाउंस पे, वो थर्ड बाउंस पे कितनी हाई जाएगी, ठीक है, थर्ड बाउंस पे कितनी हाई जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। टेल मी वन थिंग,
ध्यान से सुनना, आई एम मेकिंग इट हियर। और आई शुड मेक इट लाइक दिस, जस्ट वेट। दिस अगर ये मान लो यहां से यहां तक बेटा 36 मीटर है, ठीक है, दिस वन, ये 36 मीटर है, ठीक है, इतनी हाइट है किसकी, ये हाइट है जिससे ये बॉल फेंकी, यहां से फेंकी, तो पहले बाउंस पे जो है ये पहले बाउंस पे कितनी जाएगी, इतनी मान लो इतनी गई, ठीक, फिर इतनी, ऑब्वियसली बात है उसकी हाइट से कम, बेटा 2/3 वो सर कम है, अगर ये होता 2 times तो इससे ज्यादा जाती, ठीक है, अगर बोलता 1.5 times तो उससे भी ज्यादा जाती, तो 2/3 कह रहा है कम जाएगी उसकी हाइट से, ठीक है, तो अगली वाली ऐसा तो है नहीं, अगली वाली उसके बराबर जाएगी, अगली वाली जाएगी उससे कम, मतलब ये पहला बाउंस हुआ, दिस इज फर्स्ट बाउंस, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा और इस तरीके से बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, दिस इज ये जो है दिस इज फर्स्ट बाउंस, देखो ये है, इस तरीके से ये सेटल डाउन हो जाएगी, कैसे होगी देखो मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ से आई इस तरीके से, फिर यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरीके से गई, फिर यहाँ ऐसे गई, फिर इस तरीके से हुआ, फिर ये, फिर इस तरीके से, और ऐसे करते करते ये अपने एक सेटल डाउन पोजिशन पे इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो बेटा ये क्या हुआ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज फर्स्ट बाउंस, ये होता है फर्स्ट बाउंस, इसको बोलते हैं पहला बाउंस, जो पहली बारी में ही उछली, यहां से फेंका ऐसे करके उछली, दिस इज सेकंड बाउंस, ये है सेकंड बाउंस, ये सेकंड बाउंस है, ठीक है, ये है थर्ड बाउंस, ये है थर्ड बाउंस, ठीक। अब ध्यान से सुनेगा, पूछा थर्ड बाउंस में कितनी ज्यादा वो राइज कर रही है, मतलब ऊपर जा रही है, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, बॉल इतने से फेंकी 36 मीटर, ये यहां से यहां तक की हाइट है, तो उसने बोला जो फर्स्ट बाउंस है, इफ द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ दिस, और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फॉल, जिस हाइट से वो फॉल करती है उसका 2/3, तो रिक्वायर्ड हाइट मुझे एक बार बताओ, पहले बाउंस में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड हाइट बिना, मैं लिखता हूँ फर्स्ट बाउंस में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इट राइजेस, वो राइज करती है 2/3 जिस हाइट से वो फेंकी जाती है, तो पहला बाउंस ये है 2/3 किसका, जिस हाइट से फेंकी गई 36 हाइट से वो ड्रॉप की गई, तो 3 1 3 2 बेटा ये कितना हो जाएगा 12 2 24 मीटर, ध्यान से सुनो ये 24 मीटर क्या है, दिस 24 मीटर फर्स्ट बाउंस, ये क्या हुआ फर्स्ट बाउंस हुआ यहां से यहां तक, ठीक है, तो फर्स्ट बाउंस हुआ 24 मीटर, तो आई शुड राइट दिस विद दिस पेन, ये 24 मीटर है पहला बाउंस, तो अगली जो बाउंस है उसके लिए देखो जो नेक्स्ट बाउंस होगा सेकंड बाउंस, उसके लिए जो ये हाइट जिससे आ रही है वो ये वाला है फर्स्ट बाउंस हुआ, सेकंड बाउंस के लिए बेटा यहां से फॉल नहीं हुई बॉल यहां से फॉल हुई है, तो ध्यान से सुनना सेकंड बाउंस में जो बॉल होगी वो 2/3 होगी किसकी, जहां से वो आई है, कहां से आई है फर्स्ट बाउंस, यहां इस हाइट से गिरी है, तो 24, तो 3 7 3 8 24 8 2 16 मीटर, तो बेटा सेकंड वाली जो आपकी ये जो आपकी होगी कौन सी वाली, सेकंड वाली बाउंस जो है वो 16 मीटर तक गया, ठीक है, तो थर्ड बाउंस कितना हो जाएगा, थर्ड बाउंस बहुत बढ़िया, थर्ड बाउंस हो जाएगा कितना, देखो थर्ड बाउंस हो जाएगा बेटा 2/3, और जहां से आई सेकंड बाउंस से आई ना, तो 16 मीटर से आई, होगा बोलिए जी, होगा बिल्कुल सही, तो 16 × 2 विल बी 32/3, और इसको हम लिख सकते हैं 10 whole 2/3 meter, तो बेटा थर्ड बाउंस में जो ये है 10 whole 2/3 meter से इस तरीके से, तो थर्ड बाउंस में पूछ रहा है कि कितनी राइज हुई, तो वो 10 whole 2/3 meter राइज हुई है थर्ड बाउंस में, ऑलराइट,
सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि थर्ड बाउंस पे तो आप लिखोगे द बॉल विल राइज 10 होल 2 अपॉन 3 मीटर एट द थर्ड बाउंस. आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे द बॉल विल राइज 10 होल 2 अपॉन 3. आई शुड राइट इट डाउन फॉर यू. आप इस तरीके से लिख सकते हो. यू नीड टू राइट इट डाउन ओके इफ यू वॉन्ट नंबर. द बॉल इज बाउंसेस 10 होल 2 अपॉन 3 मीटर एट द थर्ड बाउंस. कितने कौन से बाउंस पे? थर्ड बाउंस पे वो इतने मीटर राइज होगी. ऑल राइट ओके वेरी गुड. सो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है बेटा बाउंसेस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. और क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5. इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन दे आर इन द रेशियो 12:23. व्हाट इज द सेकंड नंबर. ओके सो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि रेशियो किस फॉर्म पे दिया है. रेशियो कैसे दिया है 3:5 राइट. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट द नंबर बी 3x एंड 5x. ठीक है 3x और 5x. और आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट द फर्स्ट नंबर बी 3x लेट द फर्स्ट नंबर बी 3x लेट द फर्स्ट नंबर बी 3x एंड लेट द सेकेंड नंबर बी 5x. ऑलराइट सो फर्स्ट नंबर 3x सेकेंड नंबर 5x है. ध्यान से सुनना. तो दिया क्या है आपको 3x 3:5 दे रखा है. तो 3x अपॉन 5x दिया. ठीक है ये दे रखा आपको. अब एक बार ध्यान से सुनिएगा. इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर. अगर मैं दोनों नंबर से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों नंबर से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करूं तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे. देखो ये दोनों स्टेटमेंट अगर मैं बोलूंगा 9 से सब्ट्रैक्ट करो तो लिखूंगा 9 - 3x. अगर बोलते 9 को सब्ट्रैक्ट करो if 9 is subtracted from this so this will become 3x - 9. all right so then they are in the ratio 12:23. wo kis ratio mein aate hai beta 12:23 mein aa jate hain. ab kya karenge now we have to cross multiply it. cross multiplication kijiye aur answer ko nikal dijiye. bahut easy question tha ye sab bachcho ne kiya hoga. 23 × 3x - 9 = 12 × 5x - 9. ठीक है 23 × 9 = 3, 3 = 6x - 9 = 27 = 18 = 20. So all x terms should come to one side. So here I am writing here. So beta 69x - 60x it will become -108. जब ये इधर आएगा तो +207 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू हाउ मच. ये कितना हो जाएगा बेटा बताइए. बहुत बढ़िया 99. सो एक्स विल बिकम हाउ मच 99/9. सो दिस विल बिकम 11. सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी हाउ मच. वैल्यू ऑफ एक्स विल बी हाउ मच. इट विल बी 11. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 11. और आपसे पूछा गया व्हाट इज द सेकंड नंबर. तो बेटा सेकंड नंबर क्या था. सेकेंड नंबर तो 5x था. x की वैल्यू अगर इतना है तो सेकेंड नंबर विल बी अब लिखोगे देयरफॉर सेकेंड नंबर विल बी 5x दैट इज 5 × 11 विच इज इक्वल टू 55. 11 क्यों लिखा बेटा. x की वैल्यू 11 है दैट इज व्हाई 55 इज द सेकेंड नंबर. ऑलराइट ओके सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को. ये इजी क्वेश्चन था बेटा. ठीक है चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए स्ट्रेट लाइन. एबीसी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ऐसे समझिए. देखिए अगर हम इस तरीके से कुछ चीज बनाते हैं और हमने एक लाइन बनाई ए बी सेंट्रल पॉइंट ओ है तो बेटा यहां से यहां तक
दिस वन, इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, दैट स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये स्ट्रेट एंगल अगर 180 डिग्री है, तो अब मैं इसमें यहां से कितनी भी लाइनें इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से मैं कितनी भी लाइनें यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, और मैं यहां पे अलग अलग एंगल लिख दूं, मैं बोल दूंगा ये एंगल 20 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 10 डिग्री का है, ये एक्स है और ये 15 डिग्री है, तो बताइए एक्स वैल्यू क्या होगी। तो बताइए सबको ऐड करके ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, इन सबको ऐड करके ये वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी, दैट इज स्ट्रेट एंगल, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल सिमिलर हम कैसे करेंगे, वी हैव टू डू लाइक दिस। नाउ कंसंट्रेट हियर, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज स्ट्रेट एंगल, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऑल राइट। Now just see, if I add this from here, if I start from here, so x plus 20, so I should write it here, x plus 20 degree plus from here to here plus 50 degree, plus 50 degree plus here to here x minus 10, x minus 10 degree is equal to how much, it should be is equal to 180 degree because of a straight angle, because of, you need to mention the region, because of a straight angle, okay, you have to write like this, because of a straight angle, all right. Now just see, x plus x will be how much? 2x, all right, 50 plus 20, 70, minus 10 will be how much? 60 degree, plus 60 degree is equal to 180 degree. So 2x will become how much? 180 minus 60, 180 degree minus 60. So here I'm writing 2x is equal to 180 minus 60 will be 120. X will be is equal to 120 upon 2. It should be is equal to 60 degree. So this is a value of x. We need to find out the value of x because it is asking the question. So this will become 60 degree. All right. So x ki value is tarike se nikalte hain. Bahut easy question tha. Theek hai. Bas aapko itna sa karna tha beta. Aapko 5 marks mil jate. Complete solution hai. Now because the value of x is 60 degree. Okay. Fine. Now next one. Tenth one. Okay. Now just see. This question, in the question number 10, they're asking what? How many 6 meter cubes can be cut from a cuboid measuring 36 meter into 15 meter into 8 meter? Dhyan se suniyega. How many 6 meter cubes can be cut from a cuboid measuring this? All right. It's very easy. How many 6 meter cube can be cut from a cuboid measuring this? Ek cuboid hai hamare paas. ठीक है बेटा, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो उस क्यूबॉइड में क्या है, क्यूबॉइड इस डायमेंशन का दे रखा 36, 15 और 18 मीटर का, ठीक है। बोल रहा है कितने क्यूब हम उससे कट कर सकते हैं जिसकी जो डायमेंशन है वो 6 मीटर होगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बहुत बढ़िया, साइड क्यूब। तो सर हमको क्यूब की साइड जो दे रखी है वो 6 मीटर दे रखी है, तो आई हैव टू राइट इट हियर, 6 मीटर क्यूब दैट विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, 6 मीटर इनटू 6 मीटर इनटू 6 मीटर, क्लियर है। सो इट विल बिकम हाउ मच, 216 मीटर क्यूब, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, 36, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, दैट विल बिकम हाउ मच, length into breadth into height, LBH, okay, that should be is equal to, and cubic, the unit of this cuboid will be how much in cubes, okay, centimeter cube or meter cube. Now just see, 36 meter into 15 meter into 8 meter, remember one thing, in cube all the sides are equal, in cuboid all the sides are different, okay। तभी जो हमारा क्यूब है क्यूबॉइड बनता है जब हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो जाती है, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट किसी क्यूबॉइड की सेम हो जाए तो वो क्यूब होगा, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 4320 मीटर क्यूब, 4320 मीटर क्यूब, ओके। आप इस तरीके से कर सकते 120 into 36 will be this only, all right? So 4320 हो जाएगा मीटर क्यूब,
दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सो आपसे ये पूछ रहा है कि इस क्यूबॉइड से, ये क्यूबॉइड से इस डायमेंशन का क्यूब कितने क्यूब कट हो सकते हैं. तो नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी कट फ्रॉम दिस इज इक्वल टू हाउ मच. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ऑलराइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 4320 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज हाउ मच, इट शुड बी 216. ये मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा. इन दोनों को आप आपस में कैंसिल करोगे, वैल्यू कितनी आ रही होगी. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई थिंक 216 टू जा 432 होता है, तो इट विल बिकम 20. सो नंबर ऑफ सो दिस विल बिकम 20. ओके, सो नाउ सी नंबर ऑफ क्यूब्स देयरफॉर number of cubes that can be cut from the given cuboid is how much, is 20. All right, ye kitna hoga beta, 20 ke equal hoga. Kitne number of cube kitna aa gaya hamare paas, 20 aa gaye. So ye ho jayega 20, number of cube is 20. Okay, so is tarike se in questions ko we have to do. Number of cube that can be cut from the given cuboid is 20. Okay. So, beta, in this video, हम इसको यहीं तक रखने हैं, question number 10 तक. Second video पे हमारा question number 11 से 20 आएगा, ठीक है. फिर 21 से हम 30 तक करेंगे, ठीक है. तो तीन वीडियो आने वाले, 3 different videos में हम इसको खत्म करेंगे अपने पेपर को. और इन वीडियो की लेंथ हमारी थोड़ी सी कम हो जाए, बिकॉज अगर मैं हम पूरा पेपर एक वीडियो में करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स, राइट. So, इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है अपने आरएमसी के एग्जाम में. आई होप आपको समझ में आया होगा. जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है. जो भी आपको डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन पे पूछिए. जो कोई डिफरेंट क्वेश्चन है अगर आपको पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है बेटा. एक आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, ठीक है. ओके बेटा, ठीक है. ओके, बाय बाय, टेक केयर.